टू माई चैनल। आज की वीडियो में मैं ये सारे प्रोडक्ट्स रिव्यू करने वाली हूँ। ये बेसिकली मेरे आज तक के सारे स्मिटन परचेजेस हैं इन वन बॉक्स। एंड ये जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वो रिक्वेस्ट जो है काफी पहले आई थी, बट लास्ट वीक जब मैं सारे कमेंट्स देख रही थी तो मुझे वो कमेंट एक वीडियो में मिला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, बट बिफोर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट फ्रॉम माई परचेज वर दीज एयरफोन्स। अब ये जो एयरफोन्स है मैंने जब इनिशियली लिए थे आई एक्चुअली लव्ड दीज, बट लेटर क्या हुआ कि ये जो मेरा न्यू हैंडसेट था उसके साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं थे। सो आई गेव इट टू माई ब्रदर, उसने भी ज्यादा टाइम तक यूज नहीं किया बिकॉज काफी जल्दी ये खराब हो गए। मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगता था इसमें जो ये स्विच है वॉल्यूम की है, ये मुझे बहुत पसंद था बिकॉज मैंने बहुत कम एयरफोन्स में ऐसा देखा है। एंड जो इसका लुक है दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी, कलर बहुत अच्छा है, ऐसा कलर भी जल्दी से नहीं मिल पाता है। सो आई लव्ड दीज फॉर द लुक, बट द फंक्शनिंग की अगर मैं बात करूँ तो दीज आर नॉट अप टू द मार्क। इनिशियली काफी अच्छा काम कर रहे थे बट बहुत जल्दी दे जस्ट वेंट इन टू वेस्ट। ओके सो नेक्स्ट आई हैव दीज मिनीस फ्रॉम जस्ट हर्ब्स। सो बेसिकली ये मिसलर वाटर है, देन दिस वन इज फेस वॉश एंड दिस इज अ बॉडी वॉश। जो फेस वॉश है ये मैंने यूज किया है एक बार, एंड इसको यूज करने के बाद जो स्किन है उसमें काफी सिल्की और स्मूथ इफेक्ट रहता है। एंड मुझे पर्सनली ऐसे वॉशेस नहीं पसंद जो ज्यादा स्लिपरी या सिल्की लुक देते हैं स्किन को, सो आई डेंट लाइक द फेस वॉश एट ऑल। मिसलर वाटर मैं यूज कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं क्वान्टिटी काफी कम है। मिसलर वाटर के साथ भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा बिकॉज मैंने इसको मेकअप रिमूव करने के लिए थोड़ा ट्राई किया था एंड इट डेंट वर्क दैट वेल। बॉडी वॉश मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। आई बेसिकली थॉट कि मैं इसको ट्रैवलिंग के टाइम यूज करूंगी, दैट्स व्हाई अभी तक अनटच्ड है। एक बार मैं गई भी थी बाहर बट आई जस्ट फॉरगॉट टू टेक दिस एंड उसके बाद लॉकडाउन हो गया। ओके सो नेक्स्ट आई हैव दिस, दिस इज अ डिफ्यूजर ऑयल। ये मैंने एक बार यूज किया है, ये सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस है इसमें एंड आई टोटली लव्ड इट। ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है एंड आई फील कि आपको ये ट्राई करना चाहिए। इनिशियली जब आप इसको यूज करोगे तो आपको इतनी फ्रेग्रेंस नहीं आएगी, बट धीरे धीरे इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो काफी इंटेंस और काफी सूदिंग होती जाती है एंड आई जस्ट लव्ड इट। नेक्स्ट इज दिस, अच्छा ये बेसिकली खाली ट्यूब है, ये पूरा खत्म हो चुका है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये ट्यूब मैंने बेसिकली इसलिए रखा था ताकि मैं आप लोगों को रिव्यू दे सकूं इस प्रोडक्ट का। इसको मैंने अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स की लिस्ट में भी शामिल किया था, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी अगर आपको सारे प्रोडक्ट्स देखने हैं तो। ये बेसिकली मुझे काफी अच्छा लगा, आई जस्ट लव्ड इट। इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो काफी अच्छा है, ये काफी लॉन्ग लास्ट भी करता है एंड सबसे बेस्ट पार्ट है यूनिसेक है, बॉयज भी यूज कर सकते हैं गर्ल्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके फेस के लिए भी आपको कोई मॉइस्चराइजर चाहिए तो भी ये काफी अच्छा है बिकॉज इट्स मतलब ये ऐसा है जिसको आप सिर्फ बॉडी पे नहीं फेस पे भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आई हैव दीज मिनी परफ्यूम्स फ्रॉम इटालवॉयस। अब ये जो मिनी परफ्यूम्स है इटालवॉयस के, दीज आर समथिंग आई वुड से प्लीज डोंट स्पेंड मच मनी ऑन दीज बिकॉज इसका जो फ्रेग्रेंस है वो ज्यादा लास्ट करता ही नहीं है। आई फेल्ट कि ये 2 आवर्स भी ढंग से स्टे नहीं किया था जब आई ट्राइड इट। ये वाला तो एम्प्टी आप देख सकते हो, उसमें बहुत कम है नीचे, एंड ये वाला सेम क्वांटिटी। दोनों मैं काफी यूज कर चुकी हूँ, दोनों ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुके हैं एंड आई जस्ट फेल्ट कि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो ज्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करती है। एंड जब भी हम परफ्यूम खरीदते हैं हम कोशिश करते हैं कि जो फ्रेग्रेंस हो वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ये मेन पर्पज को फुलफिल नहीं करता है, तो आई जस्ट फेल्ट कि इट्स यूजलेस टू बाय दिस। नेक्स्ट आई हैव दिस लिप बाम फ्रॉम नीविया। नाउ ये वाला जो लिप बाम है इसको भी मैंने अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स में दिखाया था एंड ये भी एम्प्टी है, ये भी मैं यूज कर चुकी हूँ। नाउ बेसिकली इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, आपको बार बार इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर आप उनमें से नहीं है जो बार बार रीअप्लाई करना पसंद करता है तो इसको मत लीजिए। अगर आप भी मेरी तरह हो जिसको आदत है जस्ट टू रब समथिंग ऑन द लिप्स हियर एंड देयर तो आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट इज दिस, दिस इज अ मुल्तानी फेस पैक फ्रॉम सेंडिविन। इसका रिव्यू मैंने किया था अफोर्डेबल 5 फेस पैक्स वाली कैटेगरी में एंड दिस इज मुल्तानी मिट्टी लोशन। द बेस्ट पार्ट इज इट डज नॉट ड्राई आउट कम्प्लीटली विच इज रियली वेरी गुड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो भी, एंड मुल्तानी मिट्टी इज ऑलरेडी टू गुड फॉर ऑयली स्किन और ये भी काफी अच्छे से फंक्शन करता है। आई क्वाइट लाइक इट एंड ये वाला समथिंग मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आप सैम्पल्स खरीद रहे हो उस मिट्टी से तो। नेक्स्ट आई हैव दिस पैलेट फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। ये वाला जो पैलेट है मैंने
ब्लैक फ्राइडे सेल के अनबॉक्सिंग में दिखाया था एंड इसके लिए मैंने सिर्फ 150 रुपीज पे किए थे, जबकि इसका एमआरपी क्वाइट हाई है। इस पैलेट के अंदर मुझे ये ब्रश मिला था, ये वाला ब्रश मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, सो आई डोंट नो ये कैसा काम करता है। अच्छा, जो इसके शेड्स हैं ये सारे शिमरी शेड्स हैं एंड ये अच्छा पिगमेंट है इसमें। सो ये जो पैलेट है इसमें आप देख सकते हैं हर शेड के साथ उसका पर्पस लिख रखा है। सो जो पहला वाला है दैट इज फॉर द ब्रोबोन, द सेकंड वन इज फॉर आईलिड, द थर्ड वन इज फॉर क्रीज एंड द लास्ट वन इज द डिफाइनर। सो इसमें पूरा मेंशन है, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। जो बिगिनर्स है मेकअप में इवन दे कैन यूज इट बिकॉज इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको कौन सा शेड कहाँ पे यूज करना चाहिए। नाउ इसकी जो पिगमेंट है, मैं एक बार आपको इसके स्वॉशेस दिखा देती हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये इसके पिगमेंट है, काफी पिगमेंटेड है, काफी अच्छा है। दूसरे साइड का भी मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये बाकी के शेड्स हैं। इसमें एक मेटालिक ग्रीन भी है, इसमें एक मेटालिक ग्रेश टाइप का शेड है जो कि आप पहले यूज करो तो वो ब्राउन टिंट देता है एंड उसके ऊपर ग्रेश सा टिंट देता है। सो बेसिकली ये सारे शेड्स हैं इसके एंड काफी पिगमेंटेड है, काफी अच्छा है एंड आई थिंक 150 रुपीज के लिए इट्स अ ग्रेट डील, इट्स अ स्टील एक्चुअली। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लिया था ये था मामा अर्थ का। ये जो मॉइस्चराइजर है ये बहुत अच्छा है, आई पर्सनली रिकमेंड दिस वन एज वेल। बेसिकली मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए मुझे सारे ही अच्छे लगे अभी तक, नो डाउट। सो दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड एंड इसका भी सेम चीज है कि ये खत्म हो चुका है बिकॉज आई यूज इट अलॉट। इसमें थोड़ा सा आई थिंक अभी बचा होगा बट इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अगर आपके एक्ने प्रोन स्किन है, अगर आपको बहुत ज्यादा ऑयली जनरेट होता है आपके फेस पे, तो आप ये यूज कीजिए। इसका जो मॉइस्चराइजेशन है बहुत इंटेंस है एंड इट विल हेल्प यू स्टे हाइड्रेटेड एंटायर डे। आपको बार बार कुछ रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं है, प्लस आपके जो ब्रेकआउट्स होते हैं उसको काफी ये फाइट करने में हेल्प करेगा। आई क्वाइट लव दिस वन। नेक्स्ट मेरे पास है ये टोनर फ्रॉम द ब्रांड आरण्य। ये भी मैंने ब्लैक फ्राइडे सेल से लिया था एंड ये जो टोनर है इट वर्क्स रियली वेल फॉर एक्ने प्रोन स्किन अगेन। बिकॉज मेरा मानना है कि टोनर इज नॉट अ नेसेसिटी, कंपलसरी नहीं है कि आपके पास एक टोनर होना ही चाहिए। आप टोनर तब यूज कीजिए जब आपके स्किन को उसकी जरूरत हो। मेरी बेसिकली ऑयली स्किन है प्लस मुझे बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं, दैट्स व्हाई मैंने एक एस्ट्रोजन बेस्ड टोनर ऑर्डर किया था एंड ये मेरे लिए बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। बिकॉज जब भी मेरे को ब्रेकआउट्स होते हैं ऐसा कुछ होता है तो मैं आफ्टर वॉश ये टोनर यूज करती हूँ। ये भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पहुंच चुका है, जिससे पता चलता है कि मैं इसको कितना यूज करती हूँ और ये एक प्रोडक्ट है जो मुझे काफी पसंद है। एंड इसमें जो एस्ट्रोजन बेस है वो ज्यादा बर्निंग नहीं है। नॉर्मली एस्ट्रोजन जो होता है काफी स्किन पे बर्निंग इफेक्ट देता है, बट इसका जो बर्निंग इफेक्ट है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। मतलब नॉर्मल टोनर जैसा ये लगता है बट इसके जो रिजल्ट्स है वो काफी अच्छे। नेक्स्ट ये इंटिमेट वॉश फ्रॉम द ब्रांड एम्ब्ल्यू। अब ये जो वॉश है ये भी मैंने अपने इंटिमेट हॉल वाले सेक्शन में रिव्यू कर दिया था, बट स्टिल मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये इसका पैकेज है, पैकेज इसका काफी अट्रैक्टिव है, द बेस्ट पार्ट इस पूरे चीज में इसका पैकेज है। नाउ नेक्स्ट थिंग पंप पैकेजिंग में आता है, इसके अंदर से आपको फोम मिलेगा। ये फोम वॉश है तो फोम निकलता है, बट इसका जो फोम है वो ज्यादा लेदर नहीं है उसमें। एंड अगर आपको कोई माइल्ड सा वॉश चाहिए तो आप ये ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आई वुड रिकमेंड दिस एज सच, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। बट अगर आपको माइल्ड वॉशेस पसंद है तो ये काफी अच्छा है। नेक्स्ट जो मैंने ऑर्डर किया था दैट इज दिस एलोवेरा जेल फ्रॉम द ब्रांड रिवोना। नाउ दिस इज माय बेस्ट परचेज फ्रॉम द एंटायर लॉट। ये जो एलोवेरा जेल है दिस इज माय फेवरेट, द रीजन बीइंग आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी एडेड कलर नहीं है। अभी फिलहाल मेरे को लगता नहीं कि ज्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि एलोवेरा जेल में कलर नहीं ऐड करते हूँ बिल्कुल भी, बिकॉज मैंने इवन पतंजलि का एलोवेरा जेल देखा है उसमें भी ग्रीन कलर एडेड होता है। सो दैट इज व्हाई मुझे ये वाला सबसे ज्यादा पसंद है। प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस भी नहीं है, इसको फ्लावरी फ्रेग्रेंस देने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई है। ये बहुत अच्छा फंक्शन भी करता है एंड ये भी बिल्कुल देखिए खत्म होने वाला है, ये भी मैं दोबारा ऑर्डर करूंगी बिकॉज मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मेरे पास है दिस अनियन ऑयल अगेन फ्रॉम द ब्रांड रिवोना। नाउ इस अनियन ऑयल के साथ आई डोंट थिंक कि मैं इसको दोबारा लूंगी, द मेन प्रॉब्लम इज दैट ये है अनियन ऑयल बट इसमें ना अनियन की फ्रेग्रेंस है। आई नो वो थोड़ा स्मेल करता है बट देन हमको थोड़ा ये रहता है कि क्वालिटी उसकी ऑथेंटिक है कि नहीं, उस चीज को लेके थोड़ी
जो कॉन्शियसनेस होती है वो कम हो जाती है. बट इसमें फंक्शनिंग जो इसकी है बिल्कुल भी अनियन ऑयल जैसी नहीं है. एक अनियन ऑयल एक्चुअली बूस्ट हेयर ग्रोथ. अगर आप घर पे बनाया हुआ यूज करेंगे तो आप लिटरली 2-3 वीक्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ट्राई किया था. एंड ये जो है मैंने काफी टाइम यूज किया, मुझे ज्यादा कुछ चेंजेस लगे नहीं. दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट. ये बेसिकली एक नेचुरल टोनिंग मिस्ट है फ्रॉम दी ब्रांड सीयर सीक्रेट्स. दिस वन इज माई सेकेंड फेवरेट अभी तक जितना भी मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया. ये जो है ये काफी अच्छा है. लाइक इसकी जो फ्रेग्रेंस है कि बहुत ज्यादा सूदिंग है, रोज की फ्रेग्रेंस आती है इसमें से. तो यूज करना काफी आसान है. यू जस्ट हैव टू ओपन इट एंड स्प्रे इट. नेक्स्ट आई हैव दिस. अब मेरे को नहीं पता इसको कैसे बोलते हैं. हाइल्यूरोनिक एसिड. हाँ या आई थिंक हाइल्यूरोनिक एसिड सीरम. सो दिस इज हाइल्यूरोनिक एसिड सीरम. अभी ये मुझे स्मिटन रेफरल रिवॉर्ड में मिला था. इसको ना मैंने सैंपल में लिया है, ना मैंने इसका प्राइस देखी है. एंड इसको भी मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स में दिखा चुकी हूँ. ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, इट्स डाउन टू द रिम नाउ. मैं काफी यूज किया इसको एंड आई फील कि ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है. अगर आप एक अच्छे सीरम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ये वाला ट्राई कर सकते हो. ओवरऑल इसका जो इफेक्ट है वो काफी अच्छा है एंड आई क्वाइट लव्ड इट. अगर आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो ऑफकोर्स आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है. लास्ट प्रोडक्ट इज दिस प्लश इंटीमेट वाइप्स. अब ये ओनली 5 वाइप्स थे इसके अंदर. स्टिल आई हैव 1 or 2 लेफ्ट बिकॉज ज्यादा यूज हो नहीं पाया लॉकडाउन की वजह से. मैं घर पे ही हूँ, सो घर पे आई डोंट थिंक कि इन वाइप्स का ज्यादा कुछ काम है. सो ज्यादा ये यूज नहीं हुआ है अभी. ये काफी अच्छे हैं, हाइजीन के लिए भी काफी अच्छे हैं एंड एंटी बैक्टीरियल है. तो ऑब्वियसली आपको काफी टाइप के बैक्टीरिया से भी ये बचा के रखता है. अगर आप कुछ लेना चाहते हो लाइक इंटीमेट वाइप्स, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस ब्रांड प्लश. सो माई बॉक्स इज एम्प्टी नाउ. आज की वीडियो में बस इतना ही था. आई होप यू लाइक्ड माई रिव्यू एंड इफ यू डिड प्लीज हिट दैट लाइक बटन. कोई भी सजेशन हो प्लीज एक और बार कह रही हूँ कमेंट बॉक्स में बता के जाना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.